बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, काइस केयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है काइस केयर का, के हमें काइस केयर टेस्ट प्रोवाइड करता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पीज ऑफ द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी बुक के पेज 190 पे गिवन है। ठीक है, आप हम बुक खोलें और उसको वहाँ से भी साथ साथ देखें। ठीक है, तो जो हमारे पास काइस केयर डिस्ट्रीब्यूशन है, काइस केयर स्टेटिस्टिक है, वो यूज़ होती है इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि अगर इन मल्टीनोमियल टाइप प्रॉब्लम्स वेयर देयर आर क्लासेस और सेल्स, जिसमें क्लासेस हैं या सेल्स हैं, एंड वेयर द सेल प्रोबेबिलिटीज आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइज, जिसमें जो सेल की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हर सेल की प्रोबेबिलिटी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड है, बता दी गई है कि फलां सेल की प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन या परसेंटेज इतनी है इतनी है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस डैट एच नॉट पी आई इज़ इक्वल्स टू पी आई नॉट, जिसमें आई जो है वो 1 to up to k इज़ गिवन बिलो, यानी कि हमारे पास डिफरेंट सेल्स की, फर्स्ट सेल की क्या प्रोबेबिलिटी है स्पेसिफाइड, या क्या प्रोपोर्शन गिवन है उसकी, ठीक है, क्या परसेंटेज गिवन है सेकंड की, थर्ड की, और सो ऑन। तो उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो हमारे पास ये है। नंबर वन, हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो होगा एच नॉट, क्या होगा हमारे पास कि पी वन इक्वल्स टू पी वन नॉट है, यानी कि जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू उसकी गिवन है, लेट से P1 30% है, P2 40%, कुछ भी हो सकता है, P1 1/4, P2 2/4, P3 अगेन 1/4 एट्सेट्रा। ठीक है, यानी जो भी उनकी स्पेसिफाइड वैल्यूज हमें गिवन है, एच नॉट P1 इक्वल्स टू P1 नॉट, P2 इक्वल्स टू P2 नॉट, एंड सो ऑन, PK इक्वल्स टू PK नॉट, यानी जितने भी उनकी कैटेगरीज बन रही हैं, डिफरेंट सेल्स हैं या क्लासेज हैं, उसको हम K से डिनोट कर रहे हैं। एच वन हमारे पास क्या होगा कि पी आई इज नॉट इक्वल्स टू पी आई नॉट फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ 1 to up to so on k। ठीक है, कि जो गिवन प्रोपोर्शन है, जो स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन है, कम अज़ कम एक जो है वो उसके इक्वल नहीं है, जैसा कि हमने नल हाइपोथेसिस में बनाई है, जबकि हमारे पास P1 नॉट, P2 नॉट वगैरह स्पेसिफाइड वैल्यूज़ होंगी। अभी आप एग्जांपल देखेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको और समझ आ जाएगी। सेकंड पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और हम कई दफ़ा उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1% 5% या 10% हो सकता है, अगर गिवन ना हो तो यूजली हम 5% यूज़ करते हैं। थर्ड पे हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाती है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास वही होगी दोबारा, काइस केयर जो है उसको आप वही बेसिक फार्मूला उसके उसका जहन में रखें। ठीक है, ये वाला, ये जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं कि सम ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्केयर ओवर ई आई, जिसमें आई जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 1 to k, ओ आई जो है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज जो भी आपको गिवन होंगी, आपके जो भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ई आई जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को शो करेगा, और ई आई जो है वो हमारे पास एन इंटू पी आई करके आएंगी। ठीक है, यानी कि टोटल जो भी होगा एन, उसके साथ हम स्पेसिफाइड जो भी प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक सेल के लिए, हर एक क्लास के लिए, यानी तो उससे हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर होगा जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास के माइनस वन होगा, जितनी सेल या क्लासेस होंगी हमारे पास, ठीक है, उनमें से माइनस वन जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ होगा। फोर्थ पे डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एंड द ऑन अल्फा एंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पहले की तरह फोर पे हमारे पास क्या आ जाता है, फाइव पे कंप्यूट करनी है हमने काइस केयर की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं,
और उसके बाद लास्ट पे जो है हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो ये बनेगा, ठीक है। जो पहले से जिस तरह से हम लोग का इसका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह का और बाकी टेस्टों का बनाया है, का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का स्केयर अल्फा, चेंज सिर्फ कहाँ आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, जो कि इस केस में किसके इक्वल है, के माइनस वन, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं या सेल्स हैं वो माइनस वन। और हम फिर लास्ट स्टेप पे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन में, अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अब एग्जांपल है सबसे पहले आप लोगों की, विच इज़ एग्जांपल 17.7। और इसमें आपको क्या गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई दफ़ा पास पेपर्स में आ चुकी है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, वो मैं आपको बताऊंगी। यूजली इनमें से जस्ट कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में आया हुआ होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से गौर से देखें और इसको करें। अब एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ बीज, मेंडल ऑब्जर्व 300 राउंड एंड येलो, 108 राउंड एंड ग्रीन, 101 एंगुलर एंड येलो, एंड 32 एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स। फोर टाइप्स डिफरेंट दे दी हैं और बता दिया कि मेंडल ने ऑब्जर्व क्या किए हैं, फ्रीक्वेंसीज राउंड एंड येलो 315, राउंड एंड ग्रीन 108, 101 एंगुलर एंड येलो और 32 एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स है फ्रॉम द प्लांट्स। बट हिज थेरी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड फॉर अ 9:3:3:1। लेकिन जो उसकी थेरी है, थ्रेटिकल प्रोपोर्शंस हैं उसके पास, वो क्या है, 9:3:3:1, यानी कि राउंड एंड येलो की जो है फर्स्ट जो आपके पास कैटेगरी है उसकी रेशो क्या है 9, और राउंड एंड ग्रीन की 3, एंगुलर एंड येलो की भी 3, और एंगुलर एंड ग्रीन की जो है वो 1 होनी चाहिए, जो भी उसने क्रॉसिंग ऑफ पीस के एक्सपेरिमेंट किए हैं उस उनमें इस तरह होना चाहिए था। यूजिंग अ 5% एंड अ 1% सिग्निफिकेंस लेवल, डू द डेटा सपोर्ट द थेरी। स्टार्ट करते हैं। वी स्टेट आर नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चारों हमारे पास जो प्रोपोर्शन हैं पीज हैं वो क्या हैं, स्पेसिफाइड हैं। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इन्वॉल्विंग 4 सेल्स एंड विद एन इक्वल टू 566। ये 566 आपके पास आएगा जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है 315, 108, 101 एंड 32। इनको ऐड करेंगे जब हम ओ आईज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह पहले से भी हम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद अब हाइपोथेसिस है एच नॉट है पी वन किसके इक्वल है 9/16, 9+3+3+1, जब हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्म में, तो किस तरह से आ जाएगा 9/16। पी टू किसके इक्वल है 3/3, टोटल कितना है इसका 16 है। पी थ्री 3/16 और पी फोर 1/16 है। फॉर अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 4 सेल्स एंड विद एन इक्वल्स टू 556, 556 मैंने आपको बताया है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम है, ओ आई का सम है। एच वन क्या होगा, पी आई इज नॉट इक्वल्स टू पी आई नॉट फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। और सेकेंड से हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल उसमें हमें बताए हैं 1% और 5% दोनों पे चेक करना है। टेस्ट स्टेटिस्टिक जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप टेस्ट इक्वल टू ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर ओवर ई आई और सम करें उसकी, जितनी भी कैटेगरी से क्लासेज गिवन है, फोर गिवन है, तो आई फ्रॉम 1 to 4 जो है वो जाएगा। कंप्यूटेशन हम कर लेते हैं। कंप्यूटेशन से हमारे पास ओ आई सो हमें गिवन है, देखिए 4 सेल्स है, ठीक है, और उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इनको बेशक आप ओ आईज लिखें, ठीक है, सेल में बेशक आप साथ में लिखें राउंड एंड येलो, राउंड एंड सेल टू में लिखें राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, एंड सेल थ्री में एंगुलर एंड येलो, सेल फोर में एंगुलर एंड ग्रीन, अगर आप चाहें तो।
फिर उसके बाद ये जो उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है वो लिखती हैं, उसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोगों ने ये देखा। यहाँ पे उसने प्रोसीजर करके आपको अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। एन जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का समय है बता, जो क्यों 556 ये आपके पास आया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने हर एक सेल की जो प्रोपोर्शन है उससे। फर्स्ट सेल की जो P1 है वो क्या है, 9/16, तो 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 556, 312.75। नेक्स्ट जो है वो 3/16 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 556 से। नेक्स्ट जो है फिर 3/16 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 556 से। नेक्स्ट जो है वो 1/16 है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 556 से। तो हमारे पास चारों सेल्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कॉलम है, जिसको इसने NPI0 लिखा हुआ है, आप इसको EI लिख लें। उसके बाद का प्रोसीजर वही है, OI-EI, OI-EI² OI-EI² over EI, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर दोबारा करें और फिर का इसकी इस कॉलम का सम लें। का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 0.470। अब हमने क्या करना है, का स्क्वायर की वैल्यूज जो हैं वो देखनी है 1% पे भी और 5% पे भी। तो हमारे पास 1% पे जो वैल्यू है वो आती है 11.34, और इसी तरह से 5% पे भी वैल्यू देख लीजिएगा, 5% पे 7.82 आती है, ठीक है। तो हमने अब टेस्ट करना है, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डजेंट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन एट बोथ द सिग्निफिकेंस लेवल, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द डेटा सपोर्ट द हाइपोथाइज्ड थ्योरी, क्योंकि हमारा क्या नाम है, क्रिटिकल रीजन में काई स्क्वायर की वैल्यू टेबुलेटेड कैलकुलेटेड फॉल नहीं की, लिहाजा हम हमारी जो है एच नॉट वो है रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जो थ्योरी है वो जिस जिस भी रेशियो में गिवन है वो उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है आपका सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 17.8, उसमें लिखा है 200 डिजिट्स वर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ टेबल्स, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिजिट्स वर डिजिट 0 से लेकर 9 तक हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। यूज़ द काई स्क्वायर टेस्ट टू असेस द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस डेट द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स इन द टेबल्स फ्रॉम विच दीज वर चूजन।